तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको स्नो सिटी आइसलैंड जो कि एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में वो दिखाने लेकर आया हूँ। ये दिल्ली एनसीआर का इकलौता स्नो पार्क है, तो सारा स्नो पार्क आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, टिकट प्राइस क्या है, टाइमिंग्स क्या है, लोकेशन क्या है, संपूर्ण जानकारी यहाँ की फुल टूर के साथ शेयर होगी। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया तो। तो गाइस हम आ गए हैं एडवेंचर आइलैंड रोहिणी, और एडवेंचर आइलैंड की लोकेशन की बात किया तो होगी सेक्टर 10 रोहिणी में, रिठाला मेट्रो स्टेशन के ऑपोजिट साइड में, और ये स्वर्ण जयंती पार्क के बिल्कुल साथ में है। इसके अलावा यहाँ आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, पार्किंग आपको उस तरह का सामने मिल जाएगी। तो अभी मैं खड़ा हूँ एडवेंचर आइलैंड की पार्किंग एरिया में, और पार्किंग की बात की जाए तो टू व्हीलर के होंगे 30 रुपये के चार्जेस और फोर व्हीलर के होंगे 50 रुपये के चार्जेस। चलिए अब उस तरफ से अंदर एंट्री करते हैं एडवेंचर आइलैंड के। तो वहाँ सामने से आप जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा आगे आपको फन डू गेमिंग जोन के पास यहाँ पे इस तरफ स्नो सिटी आइसलैंड का टिकट काउंटर दिख जाएगा। तो ये सारे टिकट रेट्स लिखे हुए हैं मंडे टू फ्राइडे यानी वीकडेज के 500 रुपीज़ के चार्ज है पर पर्सन के, और सैटरडे संडे और हॉलीडेज़ के दिन 600 रुपये की टिकट है। इसके अलावा जो 90 सेंटीमीटर से कम किया है उनकी टिकट यहाँ बिल्कुल फ्री है। अब मैं आपको यहाँ की टाइमिंग्स बताता हूँ। यहाँ की टाइमिंग्स होंगी सुबह 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, आप जब मर्जी आए, रात तक ये खुला रहता है। तो इस स्नो सिटी के अंदर आप ये सारी एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। एक यहाँ पे टोबोगन स्लाइड मिल जाएगी आपको, फिर टनल स्लाइड मिल जाएगी, आइस स्लाइडिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पोलर वियर के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, स्नो डांस कर सकते हैं, सेल्फी पॉइंट्स आपको कहीं मिल जाएंगे अंदर, और स्नोफॉल के एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको हैंगिंग ब्रिज भी मिल जाएगा अंदर। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में अच्छे से दिखाएंगे। अंदर जाके स्नो सिटी के अंदर आपको टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा ठंड है अंदर। तो सारा सब कुछ आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो इधर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा अंदर, तो 60 मिनट के अंदर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉकर चाहिए होगा ना तो उसके 100 रुपये आपको अलग देने होंगे। इसके अलावा अंदर आउटसाइड फूड लेके जाना अलाउ नहीं, और आपके टिकट प्राइस के अंदर जैकेट्स और बूट्स इंक्लूडेड होंगे। अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो अभी तो फिलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा तो मन कर रहा है अंदर मैं जाऊँ। चलिए फिर अंदर चलते हैं। बस आपको काफ़ी ज़्यादा गेम्स वगैरह भी मिल जाएंगी, पर इस वीडियो में मैं आपको स्नो सिटी दिखाने लेकर आया हूँ। तो भाई हमने टिकट तो ले लिया ना, अब अंदर जाने वाले हैं। तो मतलब ये एडवेंचर आइलैंड के एरिया के अंदर ही मिलेगा, अंदर ही मिलेगा, पूरा पूरा एडवेंचर आइलैंड के साथ में ही है इनको बना हुआ। चलिए फिर चलते हैं। ये देखिए यहाँ से रास्ता आ रहा है स्नो सिटी आइसलैंड के अंदर जाने का। चलिए चलते हैं आगे। सामने आप देख पा रहे होंगे ये है स्नो सिटी आइसलैंड। तो चलिए अंदर चलते हैं। स्नो सिटी आइसलैंड के बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया। इस तरफ आपको एक और टिकट काउंटर दिख जाएगा अगर आप एडवेंचर आइलैंड के एरिया की तरफ से अंदर जाना चाहते हैं, तो इस तरफ एक और एरिया दिख जाएगा आपको। तो स्नो सिटी आइसलैंड की एंट्रियाँ सामने से हैं, और इस तरफ आपको कई सेल्फी पॉइंट दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पोलर बियर है, इधर अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, फिर यहाँ पे एक गोरिल्ला दिख जाएगा, इसके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। एग्जिट यहाँ से है, पर आपको एंट्री करके बाकी जानकारी वगैरह दे देते हैं यहाँ की। तो मैं अंदर जा रहा हूँ स्नो सिटी के। तो अंदर मैं आ चुका हूँ स्नो सिटी के, और पहले आपको जैकेट मिलेगी, इसके अलावा आपको शूज़ बदलने होंगे, उसके बाद ही आप अंदर जा पाएंगे। तो आपको अलग अलग साइज़ के यहाँ पे जूते वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ से आपको अलग अलग साइज़ की जैकेट मिल जाएगी। तो मेरे को ये वाली जैकेट मिली है, ये रेड रंग की है, इसके अलावा अलग अलग साइज़ की मिल जाएगी जैकेट। उधर से आपको शूज़ भी मिल जाएंगे, जो स्नो बूट्स वाले होते हैं वो वाले शूज़ मिल जाएंगे, ग्लव्स भी मिलेंगे आपको। बाकी आपको लॉकर एरिया मिल जाएगा, अपना सामान वगैरह रख सकते हैं लॉकर के अंदर आप। 100 रुपये इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपये में लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इधर से आपको फिर स्नो बूट्स लेने होंगे, एक साइड में एरिया बना रखी है, यहाँ से जैकेट मिलेगी, और इस तरह से आपको स्नो बूट्स मिलेंगे अलग अलग साइज़ में, अलग अलग कलर में। तो अब अंदर की तरफ चलते हैं हम। यहाँ से ये जैकेट आपको डालनी होगी, और इसके साथ यहाँ पे ये वाले स्नो बूट्स दिए हुए हैं, ये डालने होंगे आपको, और तभी आप अंदर जा पाएंगे। अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए कपड़े डालने ज़रूरी हैं ठंड वाले। ये स्नो बूट्स मैंने डाल लिए हैं, जैकेट भी डाल ली है। चलो भैया अंदर चलते हैं, यहाँ सामने से एंट्री है स्नो सिटी, ये अंदर जा रहे हैं स्नो सिटी के। चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा अभी तो हल्की सी ठंडी बढ़ी है, इसके बाद यहाँ आगे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा एरिया यार ये तो, क्या बात है। अंदर एंट्री कर ली है स्नो सिटी के अंदर, और यहाँ स्नो सिटी के अंदर आपको कई सेल्फी पॉइंट दिख जाएंगे, और बर्फ़ देखिए कितनी ज़्यादा है, ये असली बर्फ़ लग रही है, बिल्कुल प्योर और अच्छी खासी बर्फ़ है ये, बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्वालिटी बर्फ़ कह सकते हैं, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है अंदर। इसके अलावा स्नोफॉल हो रही है, वो देखो स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रही है वहाँ सामने। स्नोफॉल के पास जाके आपको व्यू दिखा देते हैं एक बार। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं, ट्रैम्पोलिन है, और यहाँ पे बर्फ़ देखिए कितनी ज़्यादा मिल जाएगी आपको। ये देखिए यहाँ पे स्नोफॉल की जा रही है, कैसे ऊपर से देखिए आ रही है ना, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए
अपनी यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। स्नोफॉल यहाँ सामने से होती है, बीच में से होती है और बड़ी अच्छी बर्फबारी है। ये कुल देखिए एकदम क्वालिटी बर्फ है और ये बर्फ पकड़ के एक दूसरे को मार सकते हैं। बस तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनाली गए ही नहीं होंगे, तो मनाली का एक्सपीरियंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए कैसे फोटो क्लिक करा रहे हैं यहाँ पे, तो स्नो स्लाइड का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये स्नो स्लाइड की एरिया बना रखी है इस तरफ और दूसरी वाली उस तरफ बना रखी है। देखिए ये पोलर बियर है, देखिए ये पोलर बियर कितना बढ़िया पोलर बियर लग रहा है। ये पोलर बियर के साथ इस तरह यहाँ ट्रैम्पलिन मिल जाएगा तो बच्चे इसमें खेल कूद भी सकते हैं। बाकी छोटा भीम, मोटू पतलू, स्नोमैन बहुत कुछ मिलेगा आपके यहाँ। एक केव भी है, वो देखो बर्फबारी शुरू होगी कैसे, कितनी बढ़िया लग रही है बर्फबारी, सो ब्यूटीफुल यार सच में। देखिए बच्चों की यहाँ पे स्लाइड मिल जाएगी आपको, छोटा भीम ये रहा, मोटा पतलू ये रहा। तो छोटे बच्चों की स्लाइड तो एक ये वाली है, पर जो आइस स्लाइड है वो आपको दूसरी तरफ मिल जाएगी। तो इधर से ऊपर जाने का रास्ता है, अगर आपको स्नो स्लाइडिंग करनी है तो इधर से आप जा सकते हो। तो यहाँ से देखना कैसे स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे। ये तो बहुत ही मज़ेदार स्लाइड है, ये जाने वाले नीचे तो एक तरह की ट्यूब स्लाइड है, टोबोगन स्लाइड भी इसे कह सकते हैं। आ जाओ नीचे, घबराना नहीं है। ये गए नीचे, वो बढ़िया स्लाइड है, बहुत ही बढ़िया स्लाइड है ये सच में। तो अभी कोई और भी स्लाइड को करने वाला है यहाँ पे। देखिए इस तरह की ये ट्यूब है जो आपको ऊपर लेके जानी होगी, इसी के ऊपर बैठ के आप नीचे की तरफ आएंगे। तो चलिए अब ये वाली स्लाइड करते हैं और इस तरह के आपको पॉइंट्स कहीं दिख जाएंगे जिनके साथ अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं आप। काफ़ी बढ़िया लग रहा है सच में। जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर हम आए हैं और हैंगिंग ब्रिज जो है वो ये रहा सामने, हैंगिंग ब्रिज यहाँ पे बढ़िया है। हैंगिंग ब्रिज बर्फ सच में काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा बर्फ है यहाँ देखिए। और इसके पीछे बटरफ्लाई का पॉइंट मिल जाएगा साथ में इस तरफ। यहाँ पे स्नो सिटी डिस्को देखिए कितनी बढ़िया बर्फ यहाँ पे उछाली है इन्होंने, बिल्कुल क्वालिटी बर्फ है ये। तो इधर यहाँ पे डीजे के नीचे मतलब म्यूजिक के नीचे डांस भी कर सकते हैं आप यहाँ, वो देखिए काफ़ी बढ़िया बर्फ है। देखिए यहाँ पे एक छोटा पोलर बियर मिल जाएगा, बड़ा पोलर बियर मिल जाएगा। हैंगिंग ब्रिज के ऊपर जाना तो इधर से एरिया है ऊपर जाने की, ऊपर से आपको एक अलग व्यू देखने को मिलेगा स्नो सिटी का। हैंगिंग ब्रिज के ऊपर हम चलते हैं इधर से एरिया ऊपर जाने का। ओए ओए ओए, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ऊपर की तरफ आगे बिल्कुल स्नो सिटी ऊपर से दिखाते हैं आपको कैसा लगता है। ये हैंगिंग ब्रिज है और ये हिलता भी है, देखिए ये हैंगिंग ब्रिज है। गुरमीत भाई एक बार इसके ऊपर जाना, ज़रा देखना कैसे हिलता है, पूरा हिलता भी है ये। ये देखिए कैसे हिल रहा है, सच में बड़ा हिलता है वो। तो दो दो ऐसे ब्रिज बनाए हैं, बीच में खट सा बनाया हुआ, तो खिंचवा सकते हैं अपनी फ़ोटो यहाँ पे आप। ऊपर से आप देख पा रहे होंगे सारा का सारा स्नो सिटी यहाँ से, और ये बीच में खट सा बनाया हुआ है। देखिए इधर भी खिंचवा सकते हैं अपनी फ़ोटो, बढ़िया लग रहा है सच में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पहले से भी बढ़िया कर दिया गया स्नो सिटी। हैंगिंग ब्रिज से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और बाकी एरिया दिखाते हैं आप। उतरने में दिक्कत होती है? हाँ उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा ध्यान से कदम लेना होगा आपको। बाकी बाकी एरिया दिखा देते हैं आपको यहाँ। चलिए यहाँ से अब केव के अंदर चलते हैं, अंदर थोड़ी शांति ज़्यादा होगी। वो तो ये एक सीक्रेट एरिया बना रखी है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं केव के। भाई यहाँ तो अंदर शांति है, काफ़ी शांति है। चलो 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 चलो, शांति है लेकिन ठंड ज्यादा है यहाँ पे, काफी झुकना पड़ता है यहाँ पे। ओ ध्यान से, फिर एकदम से बढ़ा जाता है। ये देखिए कैसे बर्फ यहाँ पे लगी हुई है। तो ये अभी स्लाइड के एरिया के नीचे से है, इधर से भी बाहर निकल सकते हैं, दूसरी तरफ से भी बाहर निकल सकते हैं। देखिए ये बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है, इधर से ही बाहर निकलते हैं चलिए। और ये बाहर आ गए कैसे, देखिए अंदर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। एक ये एरिया है अंदर से जाने का, एक ये एरिया बाहर आने का, और एक दूसरा एरिया वहाँ से बाहर आने का। काफ़ी बढ़िया एक इग्लू सा आपको मिल जाएगा एकदम कोने पे, तो इधर भी अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। इधर देखिए एक पेंगुइन सा भी बना हुआ, पेंगुइन के साथ फ़ोटो क्लिक करा दूँ। सेल्फी पॉइंट मिल जाएंगे एक यहाँ पे भी, इसके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं आप। बर्फ़ काफ़ी ऊपर तक चली जाती है, ऐसी बात नहीं, जितनी अच्छे से उछालेंगे उतनी अच्छे से ऊपर जाएगी। तो इसके ऊपर भी बैठ सकते हैं आप, या तो एक स्नो स्लेज के आ जाओ, स्नो स्लेज बैठो, मैं बैठूँ आराम से मारना यार, कहाँ बैठूँ ऐसे, इधर आराम से करना भाई। चलो मैं बैठ गया, चलो भाई आराम आराम से भाई, ज़्यादा जान लगानी पड़ रही हो।
आपको यहाँ पे हल्क भी देखने को मिल जाएगा, सेल्फी पॉइंट्स कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। भाई साहब असली हल्क लग रहा है, ठंड नहीं लग रही भाई हल्क को, जैकेट लिया बाहर से। तो इधर आपको ये बॉल भी देखने को मिल जाएगी, इधर फुटबॉल की तरह खेल सकते। ये लो पास, अरे डियर को पास हो गया, आराम से मारना, मुंह पे मत मार देना मेरे, आराम से। तो ये हम बाहर आ चुके हैं स्नो सिटी के, यहाँ से बाहर का एरिया है, काफ़ी मज़ा किया हमने। चलिए अब यहाँ बाहर नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, तो इधर अपनी सुमिनियर फ़ोटोज़ भी इनसे ले सकते हैं, और जैकेट वगैरह देख के उनका जो बाकी सामान है वो यहाँ से ले के घर जा सकते हैं। अपने स्नो सिटी का एक्सपीरियंस कर लिया, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और गुरमीत तुम्हें कैसी लगा है? बढ़िया है, दिल्ली के अंदर एक लौता है स्नो पार्क है, वैसे आपको कितना दूर जाना पड़ता है आपको दिल्ली के अंदर, इतना बढ़िया इतने सही प्राइस में मिल रहा है मेट्रो स्टेशन के पास, मेट्रो स्टेशन के पास में एक बार विजिट जरूर कीजिएगा यहाँ पे आके। मुझे भी काफी बढ़िया लगा, तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया तो।